कॉस्टिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है ओवरहेड। एग्जाम में ओवरहेड के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा प्रिपेयर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि खर्चों को कैसे बांटना है, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं डिपार्टमेंट में कैसे शेयर किया जाता है, वो रूल आपको याद रहना चाहिए। अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चन, और सेम ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बीकॉम लेवल के लिए। ओके तो सुनो, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए कंपनी हैज मिला, ए कंपनी हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नेमली ए बी सी। उनके तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है जिनका नाम है एस वन और एस टू। ये रहा खर्चा, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, पावर, लाइट, रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। सर ये क्या है? ये बेटा फैक्ट्री को चलाने का खर्चा है, इसी को हम लोग शेयर करेंगे। नीचे आ जाओ, बेसिस नीचे दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अबाउट डिपार्टमेंट ए बी सी और एस वन और एस टू। फ्लोर स्पेस, कितने किसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो दिया हुआ है। ए ने 1500 स्क्वायर ऑक्यूपाई किया है, 1500 स्क्वायर फुट। बी ने 1000 स्क्वायर फुट, सी ने 900, एस वन ने 500, एस टू ने 100। तो कुछ खर्चे हम लोग स्क्वायर फुट के हिसाब से शेयर करेंगे। ए के पास 20 वर्कर है, बी के पास 10 वर्कर, सी के पास 10, एस वन के पास 15, एस टू के पास 5। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको वर्कर का रेशियो में हम लोग शेयर करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, मशीन का हॉर्स पावर ताकत उसका, जैसा बाइक होते हैं सीसी मेजर करते हो, कार का सीसी होता है ना, वैसी मशीन का हॉर्स पावर। डायरेक्टर वेजेस स्टार बना लेना, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस हम सॉल्यूशन के अंदर भी लिखते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ द प्लांट, वैल्यू ऑफ द स्टॉक और लाइट पॉइंट दिया है। नीचे लिखा है प्रिपेयर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो सुनो, सबसे पहले आप टिक मार्क कर लेना। सुपरविजन कैसा बांटेंगे बेटा? सुपरविजन को बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में, क्योंकि जिसके ज्यादा वर्कर होंगे उतना ज्यादा सुपरवाइजर का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि एक नॉर्मल एक रूल रहता है कंपनी के अंदर, हर 10 वर्कर को संभालने के लिए एक सुपरवाइजर होगा, तो जितने ज्यादा वर्कर बढ़ेंगे उतना ज्यादा सुपरवाइजर भी लगेगा। याद करो स्कूल में जब एग्जाम होते थे, कॉलेज में एग्जाम होते थे, तो जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा सुपरवाइजर भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो सुपरवाइजर कैसा बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में। फायर इंश्योरेंस किसका होता है? स्टॉक का होता है, तो इसको स्टॉक का वैल्यू में बांटेंगे। तो नीचे देखो वैल्यू ऑफ द स्टॉक मिला, वैल्यू सेकंड लास्ट देखो वैल्यू ऑफ द स्टॉक मिला, तो हम लोग पावर को बांटेंगे, फायर इंश्योरेंस को बांटेंगे वैल्यू ऑफ द स्टॉक में, पावर को बांटेंगे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में, लाइट को बांटेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, क्योंकि जितना जिसने लाइट यूनिट्स कंज्यूम किया रहेगा लाइट बिल वैसे शेयर करेंगे, तो लाइट को बांटेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में। रेंट को बांटेंगे एरिया के बेस पे, जिसने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो उतना रेंट बर्दाश्त करेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसका होता है? मशीनरी का होता है, तो इसको बांटेंगे वैल्यू ऑफ द मशीनरी में। मिला वैल्यू ऑफ द प्लांट, यस सर। डेप्रिसिएशन को भी बांटेंगे वैल्यू ऑफ द प्लांट का रेशियो में। तो सुनो, पहला क्या बनाने का सर? सबसे पहला हेडिंग लिख देना स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तीन कॉलम तो हमेशा बनेंगे, थ्री प्लस जितना डिपार्टमेंट होंगे उतना कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहला क्या क्या लिखे सर? ये यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्सपेंसेस। ये क्या है सर? बेसिस ऑफ एलोकेशन, बेसिस ऑफ एलोकेशन, हमने कैसा उसको बांटा, ये आपका टोटल कॉलम। अब ध्यान देना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीन है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ऊपर लिखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या नाम है उनके बेटा जी? ए बी और सी, एनी बडी कैन। हाँ, एक कॉलम आप बना लेना, हम नहीं बना रहे हैं। और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, क्या नाम है उनका? एस वन और एस टू। ठीक है, तो ओवरऑल हम इतना कॉलम बना लेना। क्लियर? तो इतना कॉलम आप बना ले, मतलब 3 प्लस 5 कॉलम। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला
आप पहले पूरा सब लिख लेते, बाद में हम उसको बांटना चालू करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। हाँ क्या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस यहाँ लिख देना एलोकेटेड, ऑलरेडी बांट के दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस सर किधर है? सॉल्यूशन में ना वो जो रेशो दिया ना उसके अंदर ढूंढो डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखना सर। क्यों? क्योंकि ये सीधा प्राइम कॉस्ट में जाता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस उधर जाता है। तो इधर क्या कर रहे हैं? इधर केवल ओवरहेड लोग को एंट्री है, तो इनका जो डायरेक्ट वेजेस है ना वो सीधा प्राइम कॉस्ट में जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का सर जो भी डायरेक्ट खर्चा है इनडायरेक्ट खर्चा सबको सब हम ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट किधर भी नाम नहीं आता है, गुमनाम लोग है। तो इनका सब खर्चों को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस देखो किधर है, हजार और हजार मिला क्या? तो इनका हम लिखेंगे, इनका हम लिखेंगे 1000 और 1000। आप याद से इसका नोट लिखना, क्या नोट लिखेंगे? नोट लिखेंगे हम इनका डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट ए ओवरहेड बट ऑल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इसे ओवरहेड। याद से इसको लिखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद हम खर्चा लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला खर्चा है बेटा सुपरविजर, मिला? सुपरविजन को कैसे बांटेंगे अभी बताया सर ने, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर। अब जरा ध्यान देना, वर्कर का रेशियो हमें लिखना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ वर्कर का जो रेशियो है 20, 10, 10, 15, 5, जीरो कट नहीं होते, कॉमन जीरो नहीं है इसमें, तो वही रेशियो लिखेंगे। कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्कर 20:10:10:15:5, क्योंकि कम नहीं होते, कम होते ज्यादा छोटा मत करो, जो है वही लिखो। बस आप ज्यादा से ज्यादा जीरो कम करने की कोशिश करो। मेरे को भी टेबल आता है फाई का, लेकिन जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं बनना, रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। तो जीरो कोशिश करना केवल कम करने का। नेक्स्ट, तो सुपरवाइजर को हम इस रेशियो में बांटेंगे। सुपरवाइजर का अमाउंट कितना दिया? 30,000। तो 30,000 को हम लोग ये रेशियो में बांटेंगे, बाद में एक ही बार बांटते हैं। सुपरविजन के बाद फायर इंश्योरेंस कितना दिख रहा है बेटा? 10,000 दिख रहा है फायर इंश्योरेंस। यस सर, कैसे बांटेंगे फायर इंश्योरेंस को? फायर इंश्योरेंस स्टॉक का होता है, तो नीचे स्टॉक का देखो सेकंड बॉक्स में वैल्यू ऑफ द स्टॉक दिखाई दिया। हाँ सर, उसमें स्टॉक का जीरो कितना कम हो सकता है? लिखेंगे फायर इंश्योरेंस कैसे बांटेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो में बांटेंगे। तो उसका रेशियो नीचे आ जाओ, 15,000, 9,000, 6,000 है ना, इसका 3-3 जीरो इग्नोर करो, तो 15:9:6 समझे बेटा। केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना, सर्विस को मत देना। आगे बढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस के बाद पावर है 18,000। यहाँ पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन आ जाओ तो पावर, तो ये पावर अलग है, मशीन को चलाने के लिए पावर यूज होता है। तो पावर 18,000 है। अब 18,000 को कैसे शेयर करेंगे हम लोग? हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में, हॉर्स पावर ऑफ मशीन में बांटेंगे। अब हॉर्स पावर ऑफ द मशीन देखो, HP ऑफ द मशीन 8:5:2 मिला बेटा, 8:5:2। नेक्स्ट, पावर के बाद अगला है लाइट। यहाँ लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आ जाओ लाइट, लाइट को बांटेंगे। लाइट का अमाउंट 6,000 है, इसको हम बांटेंगे लाइट पॉइंट में, लाइट पॉइंट में, मैचिंग लाइट लाइट, हाँ तो लाइट पॉइंट, पावर पावर लाइट पॉइंट का रेशियो बांटेंगे। तो बेटा लाइट पॉइंट का रेशियो है, लाइट तो सब लोग यूज किए रहेंगे, 4:2:2:1:1, ठीक है। लाइट के बाद है रेंट, तो रेंट को कैसे शेयर करेंगे? एरिया का रेशियो में, फ्लोर स्पेस बोलते हैं, फ्लोर स्पेस का रेशियो में शेयर करेंगे। व्हाट इज द फ्लोर स्पेस? देखो दो दो जीरो इग्नोर करो सबके, क्योंकि कॉमन है, तो वन दो दो जीरो इग्नोर करोगे तो 15:10:9:5:1 बोलो, समझा? सबका दो दो जीरो कम करो तो 15:10:9:5:1।
रेंट कितना दिया है? रेंट दिया है हमको 10,000। रेंट के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसका होता है? मशीन का होता है, तो कॉमन है, मशीन का रेशियो में शेयर करेंगे। वैल्यू ऑफ द प्लांट का रेशियो में शेयर करेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो में शेयर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ द प्लांट का रेशियो है, इनका ना कितना जीरो कम कर सकते हैं, 3-3 0 कॉमन है, तो 3-3 0 कम कर दो, तो 12:9:6:3:4 इस रेशियो में बांट के लेंगे। व्हाट इज द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का रकम 17,000 को बांटेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी सेम रेशियो में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 12:9:6:3:4। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 8,500। अभी कुछ नहीं, अभी कैलसी का खेल है बेटा, कैलसी का खेल है। तो चलो अब हम इसको बांटेंगे सही तरीके से। तो हम बोल रहे हैं आपको डायरेक्ट वेजेस तो बता दिया सर ने, सीधा सीधा इनका लिखना है, इनका नहीं लिखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर गए, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं गए, वो प्राइम कॉस्ट के अंदर गए। सुपरविजन को बांटेंगे, तो कभी भी बांटने से पहले इसका बेस पता लगा लो, इसका बेस क्या है। तो 20 + 10 + 10 + 15 + 5, इसका बेस 60 है, ठीक है। तो 30,000 कैसे करोगे मालूम है ना, 30,000 × 20/60, 30,000 × 10/60, 30,000 × 10/60, ऐसे करते जाओ सबका। तो 20/60 करोगे तो आंसर आता है 10,000, इनका आता है 5,000, इनका भी आएगा 5,000, इनका आएगा 7,500 और 5 का आएगा 2,500। समझा? हमने 30,000 को सब लोग में बांट दिया, किस रेशो में? 20:10:10:15:5, इसका बेस 60 है, ठीक है, बेस चेक कर लेना। अभी फायर इंश्योरेंस को बांटेंगे, वैल्यू ऑफ द स्टॉक में इसका बेस पता लगा लो, 15 + 9 + 6, इसका बेस 30 है, ठीक है। तो इसका आता है, इसको मिलेगा 5,000 × 9/30 करो, 10,000 × 9/30 आंसर आएगा 3,000 और 10,000 × 6/30 करो आंसर आएगा 2,000। तो हमने स्टॉक को, फायर इंश्योरेंस को बांट दिया, जिसका जैसा स्टॉक का कीमत है वैसा वो बर्दाश्त करेगा, इनके पास स्टॉक नहीं है, डैश डैश। पावर को बांटेंगे हॉर्स पावर में, तो इसका बेस क्या है? 8 + 5 + 2 आंसर 15, इसका बेस 15 है, तो 18,000, तो 8 का आएगा आंसर 9,600, 5 का आएगा 6,000, 2 का आएगा 2,400, इनका डैश डैश कर देना। एक बात और चेक कर लेना, तीनों प्लस करके 18,000 होना चाहिए, चेक कर लो, देखो 9,600 + 6,000 + 2,400 बराबर जा रहे हैं सर। लाइट को बांटेंगे, लाइट पॉइंट में पता, पहले इसका बेस पता लगा लो कितना है, 4 + 2 + 2 + 1 + 1, इसका बेस 10 है, ठीक है। तो 6,000 ÷ 10 × 4 = डायरेक्ट आंसर आएगा 2,400, 1,200, 600 और 600, ठीक है, इनको नहीं देना है। नहीं रुक जाओ, सबको दिए नहीं, इनका दो था ना 1,200, इनका 600 और 600, क्लियर बेटा। प्लस करके चेक कर लो, 2,400 + 1,200 + 1,200 + 600 + 600, यस सर, 6,000 को बांट दिए। रेंट को बांटना है बेटा, फ्लोर स्पेस में बांटना है, तो इसका बेस पता लगा लो, तो 15 + 10 + 9 + 5 + 1, इसका बेस 40 है, अलीबाबा 40 चोर नहीं, 40 इसका बेस, तो 10,000 करो आप, रेशो में बांटो, तो 15/40 करोगे तो आंसर आएगा 3,750, 10/40 करो तो आंसर आएगा 2,500,
9/40 करोगे तो आंसर 2250, 5/40 करोगे तो आंसर 1250, और 1/40 करोगे तो आंसर आता है 250। चलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बेस पता लगा लो, तो 12 + 9 + 6 + 3 + 4 34 है इसका बेस, ओके। तो 17,000 का निकालो तो 12/34 करो, आंसर आएगा 6,000। 9/34 करो, आंसर 4,500। 6/34 करो, आंसर आएगा 3,000। 3/34 करो, आंसर आएगा 1,500, और 4/34 करो, आंसर आएगा 2,000। अच्छी बात है कि इसका भी बेस वही है, तो चलो ये भी कर लेते हैं। 8,500 तो 12/34 करो, आंसर आएगा 3,000। 9/34 करो, आंसर आएगा 2250। 6/34 करो, आंसर आएगा 1,500। आर आंसर, हाँ बेटा सुनो, कहाँ थे हम लोग? 6/34 हो गया, 3/34 करो 750, 4/34 करो आंसर आता है 1,000। एक बार चेक कर लेना, सब प्लस करके 8,500 होना चाहिए। तो 3,000 प्लस 2250 प्लस 1,500 प्लस 750 प्लस 1,000, ये लाइट डिस्को क्यों कर रहा है, 8,500। ये स्टेज पे सबको टोटल करना है बेटा, टोटल करना और टोटल मैच होना चाहिए। तो चलो टोटल कर लेते हैं, पहले टोटल कर लो। तो टोटल आता है 30 + 10 + 18 + 6 + 10 + 17 + 8.5, टोटल आता है 99,500। सुन रहे हो पूरा कितना खर्चा है, 99,500। अच्छा एक नहीं लिखा हमने, टाइम प्लीज, ये 2000, इसका टोटल 2000, ये जरूर लिख देना। तो 99,500 प्लस दैट 1,00,000, कितना लिखोगे, 1,01,500। सुन रहे हैं, 1,01,500 इज द टोटल। अब बात कर लेते ए का टोटल करो फटाफट, 10 + 5 + 9.6 + 2.4 + 3.75 + 6 + 3, टोटल आता है 39,750 इनका टोटल। 5 + 3 + 6 + 1.2 + 2.5 + 4.5 + 2.25, 24,450 इनका टोटल। 5 + 2 + 2.4 17,350 12,600 7,350। एक काम कर लेना, इसका भी टोटल सब करो, ये टोटल से मैच होना चाहिए, ऐसे भी टोटल चेक कर लो। तो 39,750 + 24,450 + 17,350 + 12,600 + 7,350, वाओ प्रॉब्लम कंप्लीटेड, 10 out of 10 मिलेगा जितना ही मार्क्स का होगा। लेकिन एज्यूम करता हूँ बेटा आपको समझ में आया हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, बहुत इजी है। बस आपको क्या ध्यान देना है, कॉलम कितना बनाना, 3 तो बनाना है, प्लस जितने डिपार्टमेंट होंगे उतना कॉलम, तो 3 + 5 कॉलम बनाए, 8 कॉलम बनाए हमने। डायरेक्ट वेजेस के बारे में बता दिया, प्रोडक्शन का नहीं लिखने है, केवल सर्विस का लिखने का, बाकी खर्चा सुपरवाइजर कैसे बांटे, नंबर ऑफ वर्कर में बांटे हमने, है ना बेटा, सुपरवाइजर को हमने कैसे बांटे, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो में बांटे सुपरवाइजर, फायर इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक में बांटे, पावर हॉर्स पावर में बांटे, लाइटिंग लाइट पॉइंट में बांटे, रेंट
फ्लोर स्पेस, रिपेयर से मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ द प्लांट और डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द प्लांट में। ओके तो एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग साथ शेयर करें। ओके चलो बाय बाय।